गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज हम आ चुके हमारे ट्रैक्टर के साथ में एक बेहद जरूरी एक्सपेरिमेंट करने। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि भाई साहब जो चीज हम दिखाने वाले हैं वो आप लोगों के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब, आप लोगों ने मार्केट में अलग अलग तरीके के हेलमेट्स देखे होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास में दो अलग अलग रेट्स के हेलमेट। ये वाला जो हेलमेट है, ये हेलमेट आता है लगभग 800-900 रुपए का, और ये जो हेलमेट है ये आता है मार्केट में लगभग 250-300-350 के रेंज में। ठीक है, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई पुलिस से बचने के लिए ये वाला हेलमेट ले लेते हैं, 200-300 में आराम से आ जाता है, पुलिस से बच जाते हैं, चालान नहीं देना पड़ता, और इस तरीके के हेलमेट को स्किप कर देते हैं। या कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो 200-300 के हेलमेट को लेकर के और एक जो थोड़ा सा ठीक सा हेलमेट होता है 900, 1000, 1200, 1500 उस रेंज का हेलमेट नहीं लेते। मैं किसी ब्रांड की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ, उनकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं हमारे इस ट्रैक्टर की मदद से। ठीक है, ट्रैक्टर का जो टायर है आज इसके नीचे दोनों हेलमेट्स को डालेंगे। इससे पहले हमने इसके ऊपर हथौड़ा मार करके इम्पैक्ट टेस्ट भी किया है, लेकिन गाइस जब एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे, लेकिन जब होता है तो यार कुछ भी हो सकता है, और किसी व्हीकल का कोई टायर भी किसी के हेलमेट पे चढ़ सकता है, तो उस केस में कौन सा हेलमेट जो हमको बचा पाएगा या दोनों में कितना डिफरेंस होगा, आज बेसिकली हम यही देखने वाले हैं। और यार ट्रैक्टर से वजनी चीज़ जो है इस तरीके व्हीकल में तो शायद ही कोई होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है लगभग 1800 किलो वजन है, काफ़ी बड़ा टायर है, तो अगर इसको कोई सा भी झेल पाता है तो बहुत ही कमाल की बात होगी, और इन दोनों में अंतर तो हमको दिख ही जाने वाला है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और भाई इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी की अभी, उसके बाद में रिजल्ट तो आपके सामने आने ही वाला है ऑब्वियसली। फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत करेंगे हमारे थोड़े से अच्छी क्वालिटी के हेलमेट के साथ में, यानी कि 1000 रुपए के हेलमेट के साथ में, बाद में जो है सस्ते वाले को ट्राई करेंगे। तो यहां पर गाइज मैं सिंपली इस हेलमेट को यहां पर रख दे रहा हूं ट्रैक्टर के टायर के नीचे। अभी तो एकदम ठीक है, आप देख सकते हो हेलमेट एकदम बढ़िया है। तो अब इस ट्रैक्टर को आगे चलाएंगे और जो टायर है मुझे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा और डैमेज जो हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, भाई साहब, भाई साहब, जो ट्रैक्टर है वो हेलमेट पे चढ़ करके जा चुका है, और आप लोग देख सकते हो कि जो हेलमेट है उसकी क्या हालत हुई है। यार एक बात तो है, जो हेलमेट है वो अभी भी एक पीस में है, कहीं से कुछ फूटा नहीं है। एक तरीके से यहाँ से देखो, फ्रंट से यहाँ से ये ज़रूर उखड़ा है, यहाँ से थोड़ा सा टूटा है, उसके बाद में उखड़ा है, थोड़ा सा इसकी शेप भी दब गई है, और बाकी ये कितना दबा था और कितना उठा था वो तो मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है, क्योंकि मैं तो ऊपर था और आप लोगों ने इसको काफ़ी बढ़िया से देखा होगा। हेलमेट टेढ़ा भी हो गया है, देखो हेलमेट टेढ़ा भी हो गया, लेकिन सोचो इसके ऊपर 1800 किलो का ट्रैक्टर चढ़ा था भाई, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, और इसके एक दो चीज़ें उर्जे पुर्जे निकल गए। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा जो अच्छा हेलमेट होता है उसके ऊपर जब अगर मान लो निकल जाए ट्रैक्टर तो कुछ ऐसा हाल होता है। कितना दबा था, ज़्यादा दबा था क्या? दब गया था। पूरा दब गया था, लेकिन टूटा नहीं है ये, और आप लोगों ने तो देखा ही है कि किस तरीके से दबा है। तो भाई पता हमको तब चलेगा जब हम इसको दूसरे वाले के साथ कंपेयर करेंगे। तो मेरे को ये वाला दे दो, ठीक है, ट्रैक्टर को रखते हैं ऐसे की ऐसे। अब रखते हैं इस वाले को और इसके ऊपर चलाते हैं भाई, कंटिन्यूस ही रखते हैं सब कुछ आप लोगों के सामने। कर रहा हूँ भाई स्टार्ट, ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट गियर भाई, स्लो स्लो,
तो भाई साहब आवाज तो आ गई मुझे और ओ हो हो गाइस जस्ट लुक एट इट, ये देखो सेम वही वजन सेम वही टायर टुकड़े टुकड़े ऑलरेडी यहाँ पर कितने सारे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 जो ये ग्लास है ये भी टूट गया है और हेलमेट की हालत देखो भाई। मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। ये देखो ये जो है इसका अंदर का ये पार्ट निकल आया है और ये जो थर्मोकोल है ये भी देखो पूरा जो है अंदर से टूट गया है देखो, और जो हेलमेट है उसके टुकड़े भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बिखर गया, जबकि हमारा जो थोड़ा सा सही क्वालिटी वाला हेलमेट था जो आपको ख़रीदना चाहिए इस वाले के कंपैरिजन में उसकी आप हालत देखो। और पीछे से दिखाऊं दोनों को आप लोग कंपेयर कर सकते हो। तो भाई साहब इसके ऊपर भी स्क्रैचेस तो हैं, लेकिन गाइज ये स्क्रैचेस बढ़िया हैं या ये हाल बढ़िया है? अगर ऐसा कुछ होता है अनफॉर्चुनेटली तो ये तो भाई साहब ज़िंदगी बचाने की जगह ज़िंदगी ले और लेगा। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस जो बिल्कुल सस्ते वाले हेलमेट्स होते हैं बिना ISI वाले या फर्जी ISI वाले या कुल मिलाकर के 300-400 रुपये वाले जो कि पुलिस से बचने के लिए होते हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ दोज हेलमेट्स, क्योंकि वो आपको नहीं बचाएंगे। वो आपका 2000 रुपये का चालान ज़रूर बचा देंगे, 1000 रुपये का, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी जिसलिए आप हेलमेट लगा रहे हो वो उस समय ये आपको बिल्कुल नहीं बचाएंगे। और ये वाले हेलमेट में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि जो हमारा हेड होता है वो सेफ़ रहेगा। और अभी तक हमने ऐसे 3-4 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और सारे एक्सपेरिमेंट में यही सामने आया है कि ये जो हेलमेट है ना ये बिल्कुल नहीं झेल पाता, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये वाला इसको बीट कर पाया, इसके आसपास ही पहुँच पाया हो। तो भाई प्लीज़ मेरी दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टॉप यूजिंग दीज काइंड ऑफ हेलमेट्स, बिकॉज ये जो है बहुत ख़तरनाक है। एंड अगर आप ISI वाला थोड़ा सा अच्छा हेलमेट ले सकते हैं 1000 रुपये का तो ले लो भाई कम से कम, ठीक है 1000-2000-3000 जो भी आपको अच्छा लगे उस टाइप का लीजिए, ISI वाला लीजिए या फिर ऐसा लीजिए जो आपको बचा सके कम से कम, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको मज़ा आया तो लाइक ज़रूर से कर देना, इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, मैंने शुरू में भी कहा था अब फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर हो सकता है, जो भी लोग ऐसा सस्ता हेलमेट पहनते हैं उन सभी को अभी के अभी भेज दो भाई कि तुम क्यों रिस्क ले रहे हो ऐसा, और आप खुद भी मत खरीदना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज ऐसे ही और मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स के लिए और इस तरीके के और नॉलेज वाली वीडियोस के लिए भी, क्योंकि गाइज इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस सिर्फ आपको एंटरटेन करना ही नहीं था बल्कि आपको ये समझाना भी था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।